ये भैया की गाड़ी है, इसमें एसी काम नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए इसे। हमने सोचा कि शायद हीटर बाल्ब में प्रॉब्लम होगी, और हीटर बाल्ब सही है। प्रॉब्लम ये है कि इस गाड़ी का इंजन एक बार चेंज हो चुका है, तो क्या हुआ था, पूरी रेत में भर गई थी, ये कोल माइंस में थी। इसके अभी भी ये देखिए, इसमें छोटे छोटे बालू के कण भरे हुए हैं, देखेंगे आप। तो अगर इसको साफ किया जाए तो कहीं ना कहीं इसकी कूलिंग बेहतर हो जाएगी। कर रही है कूलिंग, पर उतना नहीं कर रही है। हवा की पोजीशन देखेंगे, एसी चल रहा है, पर ये देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बहुत हल्की हल्की हवा आ रही है। ये जितना तेज चलेगा तो उतना अच्छा ये कूलिंग करेगा, मतलब कहीं ना कहीं कर रही है एसी, पर कम काम कर रही है। तो अभी इसको क्लीन करेंगे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे अच्छा तो इसको प्रेशर वाशर से, बहुत हैवी नहीं, हल्के प्रेशर वाशर से क्लीन करा देंगे, कुछ ना कुछ अंतर पड़ेगा। ये हम थोड़ा सा इसे वॉश करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना प्रभाव पड़ता है। खैर ठंडा रहेगा तो बेहतर काम करेगा, और कर देंगे। ये देखिए कालापन निकल रहा है, ये देखिए कितना काला काम, ये देखिए कालापन है, ये देखिए, अरे बाप रे, ये देख रहे हैं कालापन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, काली का कचड़ा है ये। ये देखिए अगर इसका वो भी साफ हो जाए रेडिएटर, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। पर इसमें फैन लगा हुआ है, फैन से साफ करेंगे तो दिक्कत आएगा, इसके अंदर भी होता है वो। अच्छा इसका नीचे दिखाएगा भैया, इसका हुड ही हटा दिया जाए यहाँ से, ये प्लास्टिक का होता है यहाँ पे, पावर प्लस में आप देखेंगे इसका ये हटा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए तो पता आ रहा है। हाँ कम हो गया, ये मालूम होते तो हम क्या 6 महीने में एक बार हम कर देते, हम सोचते कहीं भाई और कुछ ना हो, वो ना हो कहीं पानी वानी जाए इंजन तिंजन में, तो हम नहीं डरते, हमारे कुछ नहीं करते, कभी आप लोग चर्चा भी नहीं आई। ये देखिए कितना कालापन है, आपको फोकस कर ले, ये देखिए मारी मारी, खूब मारी, खूब प्रेशर से मारी। अभी देखते हैं कि वो कालापन है अभी भी है रबारिया अंदर, आप देखेंगे, पर यह है कि काफ़ी साफ़ हो गया। तो ये प्रेशर वॉशर से साफ़ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, अंदर से कर सकते हैं, पर वो क्या है ना कि फैन लगा हुआ है। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुका है, कुछ रबारियां हैं पर उतनी नहीं है, लगभग 60-70% साफ़ हो चुका है। अब ये धीरे धीरे भैया मारते रहेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। अभी तो बहुत अच्छी कूलिंग करेगी क्योंकि अभी ठंडा है। तो चलिए देखते हैं, देखते हैं, बहुत ठंडा करेगा ये। तो इस तरीके से आप भी साफ कर सकते हैं, मैं वीडियो ज़्यादा खींचूंगा नहीं। अगर आपके में ठंडक नहीं आ रही है, बहुत गर्म है, आप सोच रहे हैं तुरंत से हो जाए, तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ना, तो बहुत जल्दी ठंडक देती है, क्योंकि कंडेंसर ठंडा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हवा कितना दे रहा है, पहले वो हवा नहीं निकल रही थी, अब देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, वो क्लीन हो गया, तब हवा ज़्यादा देने लगा। अभी अपना कंडेंसर कॉइल क्लीन तो हुआ है, रेडिएटर भी क्लीन हुआ है, पर उतना क्लीन नहीं हुआ है। तो अभी गर्मियों का टाइम है, तो दोपहर के टाइम इसको गाड़ी को 12 बजे खड़ी करके बैटरी टर्मिनल्स निकाल देंगे, कहीं पे एक्स्ट्रा पानी ना जाए, जाता भी है तो पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, जो भी कचरा है वो साफ निकल जाएगा 3-4 घंटे में। इस समय इतना गर्मी है कि आराम से पूरा जो पानी होगा वो वेपराइज हो जाएगा, तो ये गाड़ी पूरी ड्राई हो जाएगी, फिर टर्मिनल जोड़ के अपना काम कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल साफ हुआ है, पर बहुत ज़्यादा नहीं साफ है, इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी कचड़ा है, देख रहे हैं आप, काला काला है, यही निकला ही है। तो इसे और साफ कर देंगे तो और हवा ये सक करेगा, तो और ज़्यादा ठंडक गाड़ी करेगी, क्योंकि एसी का यही सिस्टम होता है कि कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है, तो गर्म होती है तो कंडेंसर कॉयल में जाती है, कंडेंसर कॉयल ये हवा फैन हवा खींचता है, अगर गाड़ी चल रही है तो बाहर से हवा आएगी तो वो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर वो इस लाइन के थ्रू, ये जो पतली वाली लाइन है इसके थ्रू इवेपोरेटेड कॉयल में जाएगा, वहाँ हल्का सुराख होता है, हल्का सुराख से जैसे ही हवा छोटे छेद से बाहर की ओर निकलती है, एक्सपेंड होती है, तो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर का हीट एब्जॉर्ब करती है, तो जो अपना ब्लोवर से हवा आती है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है, तब आपको ठंडी हवा लगती है, फिर वो घूम के आती है इस बड़ी वाली लाइन से
और फिर कंप्रेसर में जाती है, फिर उसे कंप्रेस करती है। ये सिस्टम है, ये चलता रहता है। तो कंडेंसर कॉइल जितना क्लीन रहेगा, जितना हवा उससे आएगी, जितना ठंडा करेगा, उतनी ही आपके अंदर हवा ठंडी होगी। अभी देखते हो, 3-4 बार में क्लीन हो जाएगी तो फिर एसी अच्छे से काम करना चालू कर देगा। तो इसका रोग मिल गया, ये दरअसल डूबी हुई थी, उसमें धूल थी, भैया नहीं जानते थे इसलिए कभी उसको साफ नहीं किया, इसके कारण से उसमें कचड़ा जमा हुआ था। क्लीन हो गया कंडेंसर कॉयल, अभी उसको 2-3 बार और करेंगे ना तो कम से कम अभी 30-40% 50% हुआ है, और कटेगा फिर और घटेगा, फिर उसके जाके एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। क्योंकि कुछ बालू के रवारी हैं, वो थोड़े से और ज़्यादा ढीले पड़ जाए तो निकल जाएंगे। अभी कूलिंग बेहतर है, काफ़ी बेहतर। क्यों भैया, अब कूलिंग बेहतर है? पहले से तो काफ़ी अच्छी। इस वीडियो में ही तक था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।